students, welcome back to your art class. In the end of the last video, I told you that I will be teaching you how to color the cube. Before moving to that, let's first learn how to draw a clock using the same cube, then we will color the clock. लास्ट वीडियो में मैम ने आपको क्यूब ड्रॉ करना सिखाया था ना, अब तक आप सब ने इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी, आप सबको क्यूब ड्रॉ करना आ गया होगा, ठीक है। आज इसी क्यूब की हेल्प से मैम आपको क्लॉक बनाना सिखाने जा रही है। देखो कैसे, आपने अपने घर में क्लॉक देखी है ना, क्लॉक के बीच में क्या होते हैं, डिजिट, जिसकी हेल्प से आप टाइम देख सकते हो। तो हम सबसे पहले इसके बीच में क्या लिखेंगे, डिजिट। देखो कैसे, ये देखो आपने इस लाइन का सेंटर ले लेना है, ले लिया। अब देखो, अब इस सेंटर के नीचे आपने क्या लिखना है, 12, क्या लिख देंगे, 12। अब 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो 12 के बिल्कुल सामने आपने एक और सेंटर लगा लेना है। अब 12 के बिल्कुल सामने आपने क्या लिखना है, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखो लिख लिया हमने डिजिट। अब हमें टाइम का कैसे पता चलता है, किसकी हेल्प से हमें टाइम का पता चलता है कि 4 o'clock हो गई कि 5 o'clock हो गई, क्लॉक की आर्म से। अब वो हमने हैंड्स तो बनाए नहीं क्लॉक के, तो कैसे ड्रॉ करें। पहले आप देखो क्लॉक का बिल्कुल ये सेंटर ले लो, ले लिया। अब क्लॉक का शॉर्ट हैंड ड्रॉ करो। देखो कैसे करेंगे शॉर्ट हैंड ड्रॉ, ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे हमने क्लॉक का शॉर्ट हैंड ड्रॉ कर लिया। अब देखो बिग हैंड ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब बिल्कुल सीधी स्टैंडिंग लाइन लगाओगे, ठीक है, ये देखो ऐसे। बिग हैंड है तो ये हैंड थोड़ा स्मॉल हैंड से बिग होना चाहिए, देखो ऐसे। अब देखो थोड़े से हमारे हैंड्स इक्वल लग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट हैंड को थोड़ा सा इरेज कर लेंगे, क्योंकि शॉर्ट है ना, कर लिया। ये रेडी हमारी क्लॉक, होगी रेडी। तो अब हम इसमें क्या करें, कलर फिल करेंगे, ठीक है। वो कैसे, देखो देखो, सबसे पहले हम अपना ब्लैक कलर लेंगे, जिसकी हेल्प से हम क्यूब की आउटलाइन देंगे, क्यूब या क्लॉक। क्लॉक तो हमारा क्यूब की हेल्प से ही ड्रॉ हुआ है, ये देखो ऐसे। विद द हेल्प ऑफ स्केल यू विल गिव आउटलाइन, लुक केयरफुली। ये देखो, ये आपने आउटलाइन, देखो ऐसे कर ली हमने आउटलाइन, कर ली। अब क्या करना है, ब्लैक पेन की हेल्प से ही, ब्लैक पेन, ब्लैक कलर या ब्लैक स्केच, जो भी आपके पास हो, आप उसकी हेल्प से ये जो डिजिट्स हैं इन पे भी अपना ब्लैक पेन चलाइए। देखो कैसे, देखो। अब मैम के पास ब्लैक पेन नहीं था, मैम ने क्रेयॉन की हेल्प से ही लिख दिया। देखो अब जो क्लॉक के हैंड्स हैं उनकी भी आउटलाइन देंगे, देखो ऐसे। अब देखो हमारी आउटलाइन हो गई, हमने डिजिट्स पे भी ब्लैक कलर से कलर कर दिया। अब क्या करना है, अब हम अपनी क्लॉक में कलर फिल करेंगे। वो कैसे करेंगे, अब देखो आपकी विश है, आप डार्क कलर भी कर सकते हैं, लाइट कलर भी कर सकते हैं। अब मैम ने देखो रेड कलर लिया है, तो देखो कैसे फिल करेंगे, एक ही डायरेक्शन में हम अपने कलर को चलाएंगे। देखो कैसे, मैम की हैंड को ध्यान से देखोगे कि मैम कैसे कलर फिल कर रही है, कहाँ तक जा रहा है कलर,
देखो मैम अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही है, सेम डायरेक्शन में हमारा कलर फिल हो रहा है। हम इसमें सिंगल शेड भी दे सकते हैं और डबल शेड भी कर सकते हैं। देखो मैम अभी आपको डबल शेड करना सिखाएगी। यहाँ तक हो गया हमारा कलर। अब देखो हमने दूसरा कलर ले लिया, अब रेड कलर के साथ कौन सा कलर अच्छा लगेगा? येलो। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो आप येलो कलर फिल कर लो, आ गई ना डबल शेड। देखो ध्यान से मैम कैसे मूव कर रही है हैंड को, देखो हो गए हमारे क्लॉक में कलर कि नहीं हुए? हो गए, देखो बन गई हमारी क्लॉक। किसकी हेल्प से बनाई हमने क्लॉक? क्यूब की हेल्प से। वेरी गुड। ठीक है बेटा, अब आपने क्लॉक बनाने की भी प्रैक्टिस करनी है। क्यूब की तो करनी ही करनी है, साथ में क्लॉक बनाने की भी प्रैक्टिस करनी है और उसमें सुंदर से कलर फिल करने हैं। ओके बेटा, बाय, थैंक यू।